वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दशहरा और हमारे यहाँ दशहरा को ऐसे दस ही मनाते हैं हम। टीका लगाते हैं सर पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये है आज का मेरा लुक। तो आज हमारे घर में बहुत सारे खाना भी बनेगा। आज वैसे ट्यूसडे है इसीलिए चिकन वगैरह तो नॉन वेज कुछ भी नहीं बनेगा, पर जो बनेगा मैं आपको दिखाऊँगी। और मेरी ड्रेस, ज्वेलरी और ये मेकअप थोड़ा बहुत, इसमें धान, गेहूं, जौ, मकई, चार चीज। कितने दिन मनाई रखते हैं? 9 दिन। दशहरा के 9 दिन पहले हमने ये बीज बोए थे मम्मी ने, ताकि ये दशहरा तक अच्छे से ग्रो हो जाए। इसको नेपाली में हम लोग जमारा कहते हैं। और फिर दशहरा वाले दिन ये मम्मी और दीदी ये फूलों से माला बना रहे थे मंदिर के लिए, गेट के लिए। मंदिर जानू चाहिए मंदिर जानू पर चले। आज दशहरा का दिन प्रभु, ये हमारे घर में माला बन रहे हैं। प्रभु श्री राम थे प्रभु, आज हम जिंदा छ। और ये प्लेट है और ये हमारा मंदिर है जहाँ पे अच्छे से हमने सजाया था, पूजा की थी, माला वगैरह चढ़ाए थे जो हमने बनाए थे खुद ही। और ये कपड़े मम्मी पूज दे रही हैं, मेरी और दीदी के कपड़े हैं। माना जाता है कि इससे ब्लेसिंग्स मिलती है और सब कुछ अच्छा होता है। और मैं थोड़ी ऑकवर्ड सी लग रही हूँ। चूड़ी दिखा रही थी, पता नहीं क्या दिखा रही है। तो मैंने उसको याद दिलाई कि इसने चूड़ी नहीं पहनी है, ये चूड़ी पहन के आई। ये है हमारे यहाँ का नंदन घुड़सैनी। पहले ये पौधा किसी ने चुरा लिया था तो इतना बड़ा हो गया, उसके बाद आ ही नहीं रहा था इसमें मिर्चियाँ, तो अभी आने लगा है। ये देखिए बहुत सारे आने लगे। ये बहुत मिर्ची होता है और यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे बनने जा रहे हैं न्यूट्रेला का पकोड़े। और ये हम तेल गरम कर रहे थे। नेपालियों में एक सेल रोटी होता है, स्नैक होता है, वो बनाने के लिए ये तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और ये बैटर है उसका, सेल रोटी का, वो केजी चावल का आटा, उसको अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया था। एक पाव सूजी, एक पाव मैदा, इसमें पिंच भर कलौंजी, एक चम्मच इलायची पाउडर, चीनी एक पाव, सेल रोटी। और ये पूरा दक्षिणा वाला प्लेट है और इसमें ये पापा मेरी बड़ी बहन को टीका लगा दे रहे हैं। ऐसे करके नेपालियों में टीका लगाते हैं अच्छे से। और ये मुंह पे थोड़ा चावल वगैरह आता है लेकिन फिर भी। और ये नीचे हाथ रखा हुआ है ताकि जो टीका है वो नीचे ज़मीन पे ना गिरे लेकिन हाथ पे जाए, जो कि बाद में हम संभाल के रख सकते हैं। पूरा माथा अच्छे से टीके से भरना होता है ताकि अच्छे से ब्लेसिंग्स मिले। बजरंगी बाबा ले आगे पीछे हेड़ी रक्षा करी देऊन माता सरस्वती ले ज्ञान बुद्धि को अव्वल भंडार भर। फिर पापा मुझे टीका लगाने लग गए क्योंकि जो बड़ा होता है उसको पहले टीका लगाते हैं, तो मेरी बहन को पहले टीका लगा दिया, फिर उसके बाद मुझे टीका लगाया। और टीका लगाते हुए बोलना, जो बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं आशीर्वाद बोलते हैं कि अच्छे से, मतलब वो जो चाहते हैं अच्छे से दिल से वो सब बोलते हैं कि पढ़ाई अच्छी हो, जॉब अच्छा लगे, जो उनका मन सी होता है वो बोलते हैं। और फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा मुझे रोना आ रहा था और फिर मैं थोड़ा 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 इमोशनल हो गई थी। और बस फिर बड़े लोग जो होते हैं जिन्होंने टीका लगाया वो भी छोटों के पैर छूते हैं। और फिर छोटे लोग ऐसे भूई सोड़ना बोलते हैं, जमीन को ऐसे करके वो करना पड़ता है, उनको आशीर्वाद हाथ जोड़ के मांगना पड़ता है। और ये
ऐसे करके बड़े लोग करते हैं। मैं क्यों रो रही हूँ? फिर उसके बाद ऐसे करके ज़मीन छोड़ना पड़ता है, ऐसे लेना पड़ता है और फिर आशीर्वाद सीखना पड़ता है। फिर मम्मी भी आई थी तो मम्मी ने यह आशीर्वाद से ढोका था, मेरी बहन ने भी ढोका था। फिर यही सब मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी ढोका, मम्मी ने भी ढोका। यही सब अच्छा लगता है हमारा एक दशहरा। हमने टीका भी लगा लिया है ये, और मेरे फेस में गिर गया था तो मुझे ब्लश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले लगा चुकी थी, पहले लगा चुकी थी फिर भी। अब हम फोटो खींचेंगे थोड़ी कान के पीछे, और ये हमारा टीका। ये टोफू के पकोड़े, और ये है सोयाबीन के। ये है टोफू और सोयाबीन। आज है ट्यूसडे इसलिए हम चिकन नहीं बनाएंगे। और ये केचप, और ये है वेज मेयोनीज। अब हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं सेल रोटी। इसे हम देखेंगे, चेक करेंगे पका गरम हुआ या नहीं हुआ। तो फिर मम्मी इस बॉटल के ढक्कन से क्योंकि सेल रोटी गोल होती है तो इसीलिए उसको गोल बनाने के लिए बॉटल के से कर रही थी, ताकि अच्छे से शेप आए सेल रोटी का, क्योंकि गोल होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बहुत टाइम बाद कर रही थी तो इसके लिए थोड़ा सा अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ रहा था। ये फर्स्ट था, फिर भी ये काफ़ी अच्छा बना था। पतला है, पता नहीं। ये बन रहा है सेल रोटी, और ये कुछ बन के है तो वो हाथ धो रही है, आटा आटा भी रखेगा ऐसा। यहाँ सामने आ रहा ना चिल्ला पड़ गया बने आए सब। ये हमारा रोटी बन के तैयार हो गया। शाम को काका आ गए थे तो काका और काका के बेटे को, भाई को भी पापा ने टीका लगा दिया। आयुष्मान भवे दक्षिणा है ले लो बड़ा का हाथ का। तो ऐसे ही हम ये वीडियो खत्म करते हैं, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।